अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बैरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं हूं राणा जिशान। आज हम आपको लेके आए हैं जीएम मॉल एंड लॉजिस्ट की लोकेशन के ऊपर। आज इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने इनवाइट किया है हाफिज़ तलहा भाई को। हम इनसे पूछते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बिल्डर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम तलहा भाई। वालेकुम सलाम तलहा भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जीएम मॉल के बिल्डर कौन है। जी शान भाई, थैंक यू सो मच। जीएम मॉल एंड लॉजिस डायमंड होम्स बिल्डर जो हैं वो इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और ये बहरी टाउन में ऑलरेडी इनका बहुत अच्छा नाम है, अथेंटिक बिल्डर्स हैं। इन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिलीवर किए हुए हैं और जिसमें जीएम ट्रेड सेंटर है, जीटीसी है, जिनाह ट्रेड सेंटर और अली सिकलैन के साथ इनके काफ़ी जॉइंट वेंचर हैं और मॉल ऑफ जिनाह बिल्कुल मेन जन एवेन्यू का कमर्शियल है। अब वो मतलब रिसेंटली जो है वो इन्होंने लॉन्च किया था, तो अब भी जो है यहाँ पर इकबाल कमर्शियल के ऊपर ये जीएम मॉल एंड लॉजिस के नाम से ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है भाई। और इसकी लोकेशन के बारे में बताइएगा। लोकेशन इसकी मेन गेट से अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर की ड्राइव है। मेन गेट से जब हम एंटर होते हैं तो हमारी लेफ़्ट साइड पर बी साइड का मेन जन एवेन्यू का कमर्शियल स्टार्ट हो जाता है और पहले ही सिग्नल से जब हम टर्न लेते हैं कायद विलास की तरफ तो हमारे बिल्कुल सामने मतलब जो रोड आता है वो 100 वाइड सर्विस वेस्टर्न सर्विस रोड है, वहाँ पर इसकी लोकेशन है इकबाल कमर्शियल। और अगर थोड़ा सा आगे आते हैं मेन जन एवेन्यू से तो हॉस्पिटल वाला जो सिग्नल है मतलब बी साइड पे इकबाल विलास की तरफ टर्न होते हैं तो हमें बिल्कुल सामने इसकी लोकेशन मिलती है। इकबाल प्लॉट्स, इकबाल कमर्शियल बिल्कुल इकबाल विलास के सामने वेरिटो ने ये बहुत बड़े रकबे पर ये कमर्शियल दिया है। प्लॉट नंबर 3, 4, 13 और 14 के ऊपर ये बनने जा रहा है भाई। तो इसकी लेआउट प्लान के बारे में बताइएगा। इसका जो प्रॉपर मतलब एलिवेशन और लेआउट प्लान है वो इस तरह है कि डबल बेसमेंट है इसकी, जिसमें जो है वो आपको पार्किंग दी गई है और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और लोअर ग्राउंड भी है, इसमें ग्राउंड फ्लोर भी है। इसमें कमर्शियल यूनिट्स हैं और वो मतलब स्टार्टिंग जो उसकी प्राइस है वो तकरीबन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 13 लाख से जो है ना आपकी बुकिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और थर्ड फ्लोर पे फूड कोर्ट है और फूड कोर्ट के बिल्कुल आगे जो है ना वो डाइनिंग के लिए ओपन एरिया, ओपन स्पेस जो है वो दी गई है। और इससे ऑनवर्ड आगे ऊपर अपार्टमेंट्स हैं जिसमें 2 बेडरूम और 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स दिए गए हैं जो कि हमें 5th फ्लोर से ऊपर ऊपर जो है वो 28th फ्लोर तक अपार्टमेंट्स मिलेंगे भाई। तो इसके अंदर क्या क्या सहूलियात दी गई है अपने कस्टमर के लिए, इन्होंने क्या क्या दी? जी सबसे पहले तो मैं ये कमर्शियल की बात करता हूँ। कमर्शियल में देखें, बैरियटाउन में कमर्शियल हमेशा से ही वैल्यूएबल रहा है, वो ग्राउंड फ्लोर हो, वो मतलब फर्स्ट फ्लोर हो या फूड कोर्ट हो। हमने डॉल्चे मॉल को यहाँ पर मार्केट किया और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो मार्केट किए। इसमें जो एक मतलब अट्रैक्टिव चीज़ें हैं वो ये हैं कि इसमें पेमेंट प्लान बहुत इजी है हमारे एंड यूज़र्स के लिए, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए जो चीज़ें लॉन्ग टर्म में जो है वो होल्ड करते हैं। और इस प्राइम लोकेशन के ऊपर जो अट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं वो इसकी सबसे पहली पेमेंट प्लान है। उसके बाद इसका जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे मतलब हैबिट एक ब्रांड आ रहा है और भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो ब्रांड्स ऑलरेडी यहाँ पर साइन इन कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद अपार्टमेंट्स की बात करता हूँ। अपार्टमेंट्स में आपको कुछ फ्लोर ऐसे हैं जहाँ पर आपको इंडिविजुअल स्विमिंग पूल जो है वो दिया गया है। इसमें यह है कि आपकी विंडो से जो है आपको स्विमिंग पूल नज़र आएगा और वहाँ से जो है वो रास्ता भी होगा अटैच जो है वो विद अपार्टमेंट स्विमिंग पूल है। तलहा भाई, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हमारे एंड यूज़र को या इन्वेस्टर को? जी बिल्कुल निशान भाई, करनी चाहिए। अभी देखें कि आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यू क्या है। अभी यहाँ पर मैं अगर मेन जन एवेन्यू कमर्शियल प्लॉट की बात करूँ और उसके बाद मैं ग्राउंड फ्लोर की बात करूँ तो हमें मेन जन एवेन्यू के ग्राउंड फ्लोर का जो रेट इस टाइम मिल रहा है वो 1 लाख पर स्क्वायर फीट मिल रहा है बुकिंग पर। तो ये यहाँ पर बिल्कुल एक रोड का फ़र्क है और यहाँ पर हमें 45,000 पर स्क्वायर फीट पर ग्राउंड फ्लोर मिल रहा है। और अगर मैं रेजिडेंशल यूनिट्स को डिस्कस करूँ तो इकबाल और कायद विलास आपको पता है रेट्स का 2.55 करोड़ का रेट वहाँ पर स्टार्ट हो रहा है कायद विलास का, और इकबाल विलास का जो है ना वो 3 बेडरूम अकोमोडेशन के साथ रेट 2 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 ईयर्स के प्लान के ऊपर 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, 2 बेडरूम मिल रहे हैं और ग्राउंड फ्लोर की जो है वो शॉप्स मिल रही हैं, फूड कोर्ट जो है वो आपको मिल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रिकमेंड करूँगा इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, वो फूड कोर्ट में मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ और ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो मैं ज़्यादा सुजेशन में है कि आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। जी तलहा भाई, बहुत शुक्रिया। जीएम मॉल एंड लॉजिस में अगर आप
बुकिंग लेना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर हैं, आप हमसे एनी टाइम रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।